बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिशावरी किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही पिशावरी किचन में मैं आपके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने ले लिया एक कप ऑयल, यहाँ पे 2 टेबलस्पून इमली लेके उसको हाफ कप पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ है, उसका पल्प जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं, यहाँ मीडियम साइज के 2 प्याज लेके उनको स्लाइस कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट। इसमें यहाँ पे लिया है बिरयानी मसाला, इसमें जो साबित गर्म मसाला भी वो भी शामिल है। इसमें 4-5 लौंग हैं, बड़ी इलायची है, इसमें 4 छोटी इलायचियाँ हैं और तेज़पात का पत्ता है इसमें, और 6 से 7 इसमें सूखे आलूबुखारे हैं। और ये यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ले लिया, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ले ली है। यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पुदीना काट के रख लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया, और यहाँ पे 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ पे मीडियम साइज के 2 चिकन लेके उनको मैंने 8 पीसों में कटवा लिया है और उनके ऊपर इस तरह कट लगा लिए हैं। और इसके अंदर जो है मैं आलू भी ऐड करूंगी, तो यहाँ मैंने 8 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के, उनको मैंने इस तरह काट के रख लिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्राई पैन में डालेंगे ऑयल, और इसमें प्याज फ्राई करने के लिए डालेंगे, और यहाँ पीछे मैंने दूसरे पैन में पानी रखा हुआ है उबालने के लिए चावलों के, और यहाँ पे मैंने सिला चावल ले लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 1.25 किलो सिला चावल है, और पानी उबलने के लिए मैंने पैन में रख दिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। जब पानी में उबाल आता है तो ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तो अब इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करेंगे। और साथ में बाद में मैं जो टमाटर आपको दिखाया उनको भी मैं स्लाइस कर लूंगी, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। नीचे मैंने फिलहाल फ्लेम जो है वो मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे जो है वो प्याज हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और इसमें कुछ प्याज जो है वो बाहर निकाल लूँगी। जितनी देर में प्याज ब्राउन होता है मैं यहाँ पे टमाटर की जो है कटिंग कर लूँगी, फिर आपको बाकी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुके हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी प्याज को। इसमें डाल देंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा भून लिए। तो अब इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देंगे, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है वो चिकन की भुनाई करेंगे। और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई है, इसको 5 मिनट चिकन को गार्लिक जिंजर के पेस्ट के साथ मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लूँगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो ये इसको 5 मिनट के लिए इसके साथ भूनेंगे। अच्छा जी, यहाँ अब इसमें मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ जो आपको बताया था, 5 टमाटर। और साथ में ये जो आपको बिरयानी मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी बताई थी, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसकी टमाटरों के साथ जो है वो मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी।
टमाटर डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था मिक्स करके, इसमें टमाटर जो है वो गल गए हैं। तो अब ये जो आलू मैंने आपको बताए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। आलू काट कर मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे, इनको करेंगे मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी, उसमें डालेंगे इसमें सारा इमली का पानी जो है वो डाल दिया, हाफ कप इमली का पानी का। इसमें मैं हाफ कप और पानी ऐड करूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे करके मैं रख दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो है आलू जो है वो गल जाए थोड़े। इसमें मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, एक कप से थोड़ा सा कम है। तो अब इनको मिक्स कर लेंगे और इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा डाल दूंगी ये जो पुदीना था ये इसके ऊपर डाल रही हूँ, और थोड़ा हरा धनिया जो है वो डाल रही हूँ, और साथ में ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये इसमें डाल रही हूँ। बाकी का जब तय लगाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर जो मैंने आपको नमक और ज़ीरा बताया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब ये जो हमारे पास चावल हैं भिगे हुए हैं, ये मैंने 6 कप लिए थे और इनको मैंने धो के अच्छी तरह पानी में भिगो के रख दिया था। इनको हम 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे, 8 से 10 मिनट में ये चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे, इतनी देर में चिकन है वो भी रेडी हो जाएगा। इसमें जी मैंने 1/4 कप पानी डाला था, डाल के इसको मैंने कवर करके रख दिया था। इसमें पानी जो है अब ड्राई हो गया है, तो अब थोड़ा थोड़ी जो ग्रेवी रहेगी ये ऑयल छोड़ दे, तो ये हमारा जो चिकन है ये बिरयानी की जो मिसाल है वो रेडी है। इसमें मैंने सॉल्ट चेक किया, मुझे कम लगा, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें और सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि इसमें आलू डाले हैं तो उस वजह से नमक थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें और नमक डाला है। चावल मैंने ड्रेन करके रख दिए हैं, बस अभी इसमें थोड़ा ऑयल ऊपर आता है तो भाई ये रेडी है। फिर मैं इसको तय लगा के इसकी 2 मिनट जो है बुनाई की है, ऑयल इसने छोड़ दिया, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके नीचे कर देंगे फ्लेम बंद और अब इस चावलों को लगाएंगे दम। यहाँ पे जी पैन में मैं चावल डाल दूँगी, हाफ मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर चिकन डालेंगे, अब ये मसाला सारा इसके अंदर पलटा देंगे। इतना जो मसाला था वो भी इसके अंदर डाल दिया, अब इसको सेट कर लेंगे। जो तली हुई प्याज छोड़ी थी वो इसके ऊपर डालेंगे। और ये 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया डाला है इसके ऊपर और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाल दी है। अब इसके ऊपर बकाया जो चावल है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी जर्दे का कलर, इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा जो धनिया और पुदीना बचा है, और इसमें ये सब्ज़ मिर्चें और ये हमने थोड़ा सा जो प्याज फ्राई रखा था ये ऊपर डाल देंगे, और इसमें मैं चंद कतरे केवड़ा के डालूंगी।
ये हाफ टी स्पून जितना केवड़ा जो है मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको दम पे रख देंगे। इसकी लिड को मैं कपड़े में लपेट के इसके ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए दम दूंगी। और पहले जो है 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद जो है 20 मिनट इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर देंगे। ये इसको मैंने कवर कर लिया इसके अंदर, अब इसको देंगे। इसके नीचे मैंने तवा रखा हुआ है, आप तवा रखें या इसी तरह भी रख सकते हैं दम पे। तो ये अभी जाएगा 25 मिनट तक दम पे। पहले 5 मिनट इसके नीचे फ्लेम हाई रहेगी और उसके बाद जो है मैं इसको दम वाली फ्लेम पे कर दूंगी, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी जी हमारे इसको हो गए 25 मिनट, दम उठा लेते हैं इसका। अब इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह बनी बहुत ज़बरदस्त है ये जी। देखें चिकन आलू की बिरयानी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये बिरयानी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आप लाइक करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।